सारे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि एसएससी सीएचएसएल का पेपर आपका होने वाला है मार्च में, और एमटीएस का पहले सीएचएसएल का होगा फिर एमटीएस का होगा, एमटीएस का जो है वो आपका होगा अप्रैल में। तो देखिए सीएचएसएल को हम स्टार्ट करेंगे, पेपर 2020 का पेपर है, 13 अक्टूबर को हुआ था, उसका हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। जो हमारी डिक्शनरी होती है जिसके अंदर हम वर्ड मीनिंग देखते हैं, उस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये वर्ड्स किस तरीके से अरेंज किए जाएंगे वो हमें बताना है। तो देखिए पहला है जीवोटेल, डोमेस्टिक, डोमिनेट्स, डोनेट एंड डॉर्सर। तो सबसे पहले देखते हैं डी ओ तो सब में सेम है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास वी है, एम है, एम के साथ ई है, उसके बाद एम आई है, देन हमारे पास एन है और आर है। तो इन सबसे सबसे पहले हमारा कौन सा आता है वो हमको बता दो फटाफट से। सबसे पहले आता है एम, एम के बाद एन आता है, फिर आर आता है, फिर वी आता है। तो देखिए एम वाला आएगा लेकिन एम के साथ एक में ई है और एक में आई है, तो पहले क्या आता है ई आता है कि आई आता है, पहले ई आता है। तो ये वाला ऑप्शन फर्स्ट में लिखा जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट टू हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कच हो गया, क्योंकि सी वाला ऑप्शन में क्या है पहले वन लिख रखा है, तो वन हमारा नहीं हो सकता ना। फिर उसके बाद आएगा दो के बाद हमारे पास आएगा तीसरा, तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला भी खत्म हो गया। दो के बाद चार लिख रखा है, दो के बाद तीन है, तीन, फिर उसके बाद हमारा चार आएगा, ठीक है, उसके बाद एक लिखा है, पांच लिखा है। तो देखिए पहले ये आएगा आर वाला, देन हमारा वी आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो है हमारे पास हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, मतलब कि आपको एक चित्र दे रखा है, फिगर दे रखा है, इमेज दे रखी है, जिसके अंदर आपको बताना है कि कितने ट्राइंगल्स इसके अंदर है। तो देखिए सबसे इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रिकी भी बन सकता है जब एकदम बड़ा सा दे दे और अंदर पूछे कितने हैं, ठीक है। तो देखो ट्रिक्स भी बताएंगे लेकिन पहले ये नॉर्मल है। तो देखो एक ट्राइंगल, दूसरा, ठीक है, तीसरा, कितने हो गए अब तक, तीन, तीन के बाद ये चार, ये पांच, उसके बाद ये छह, ये सात, सात हो गए, सात के बाद देखो ये आठ और ये नौ, नौ के बाद ये पूरा कंप्लीट है, मतलब कि दस, दस हो गया, दस के बाद अपना देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ये वाला ट्राइंगल, ग्यारह, देन बारह एंड देन तेरह, कितने ट्राइंगल हो गए, दस प्लस में तीन ही हो गए, तो कितना हो गया हमारे पास, तेरह हो गए। तो ये वाला ऑप्शन हमारे सारे कट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अब है क्वेश्चन नंबर सीरीज का जो कि फेवरेट क्वेश्चन है हर एक एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो देखिए ये सबसे बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से बता लीजिए फटाफट से, हो जाएगा आप लोगों से सबसे, ठीक है। देखो 65 से हम गए 70 पे, 70 से 80 पे, 80 से 95 पे, 95 से 105 पे, देन कहां पे जाएंगे, और उसके बाद आएगा हमारे पास 170 या फिर 170 हम इसको बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले गैप कितना है, पांच, पांच प्लस हुआ, फिर हमारे पास दस प्लस हुआ, अब हुआ पंद्रह, अब हुआ बीस, अब यहां पे कितना प्लस होना चाहिए, पच्चीस। अकॉर्डिंग टू सीरीज हमारे पास क्या हो रहा है, पांच का टेबल चल रहा है, पांच का पहाड़ा चल रहा है, पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस, ठीक है। चलो तो देखो पच्चीस अगर मैं इसमें कर दूं तो हमारे पास आएगा पांच पांच दस, एक दो तीन और एक चार, और ये 140, 140 में फिर मैं 30 प्लस करूं तो कितना आएगा हमारे पास 170 जो भी है ये। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 25 प्लस करने पे 140, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर इन द गिवन सेट, मतलब कि हमें नंबर्स का सेट दे रखा है उसमें जो लॉजिक है या फिर वो एक दूसरे जैसे रिलेटेड है, वैसे इन चारों में से कोई एक है जो सेम लॉजिक से रिलेटेड है वो हमको बताना है कि कौन सा है। तो चलिए देखें 6, 7, 8, 9 और है हमारे पास 5, 0, 1, दोनों को जरा डिफरेंस देखने का हमारा सबसे पहला मोटिव होना चाहिए डिफरेंस देखने का, बाकी अगर कोई स्क्वायर और क्यूब से सॉल्व हो जाता तो अच्छी बात, लेकिन यहाँ पर कोई स्क्वायर और क्यूब नहीं लग रहा है, इस वजह से मैंने डिफरेंस का लॉजिक को पकड़ा है। देखो यहाँ पर कितना
बाद है हमारे पास 645 और 501। इन दोनों को देखो तो कितना आएगा हमारे पास, चार चार और एक, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? अगर मैं इसको दो से गुना कर दूं तो इतना आ जाएगा हमारे पास, 144 गुना दो कर दूं तो हमारे पास कितना आएगा, 288। तो सेम इसी तरीके से लॉजिक यहाँ पे निकालना है। चलिए सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। चलो बोल रहा है 705 - 645। अगर मैं इसका निकालू तो 4 एंड देन यहाँ पे 6, मतलब आया 60, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखते हैं हम दूसरा वाला, 574 को माइनस करना है किससे, 705 से। यहां कर लेती हूँ 705 574, माइनस करो जरा 1, देन यहाँ पे आएगा हमारे पास 3 और यहाँ आएगा कितना 1। अच्छा 131 और 60 क्या एक दूसरे के डबल है क्या? बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। फिर सेकंड देखते हैं हम, 224 224 है, 640 है, ठीक है, दोनों को माइनस करो जरा कितना बचेगा, 6 इधर से 1 इधर से 4, 416। अब है 640 और 330, इधर पे कितना बचेगा, 0 1 और इधर से बचेगा अपने पास 3, 310। ये दोनों भी एक दूसरे का डबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया कैंसिल। तो दो ऑप्शन हमारे क्या हो चुके हैं, कट चुके हैं। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा है हमारे पास, अगर मैं 573 को 455 से माइनस करूं, 573 - 455, तो देखो इसमें कितना बचेगा, 8, इधर से कितना बचेगा हमारे पास 1 और इधर से बचेगा भी 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 573 और 514, इन दोनों को माइनस करो, इधर से बचेगा अपने पास 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब बचा 9 बचा, और इधर पे हमारे पास 6 में से 1 किया तो 5 और यहाँ पे 0, मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं जरा कितना आ रहा है हमारे पास, 5 9 गुना 2 9 2 18 1 5 10 और 11, मतलब हमारा आ रहा 118। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, डबल के आसपास, जैसे इसमें लग रहा था एक नंबर अगर कुछ है तो उसका डबल ये वाला डिफरेंस है, तो सेम इसी में आया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर।